इंडिया में इतने सारे पेमेंट ऐप है, मतलब पूछो मत यार। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एयरटेल पे भी होता है यार, अब जियो पे, मूवी क्विक, अबे दुनिया भर के अमेजोन पे, इतने सारे इंडिया में पेमेंट ऐप है, मतलब जिससे आप ऑनलाइन किसी को पैसा भेज सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज वगैरह वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो ऑनलाइन। तो इतने सारे यहाँ पे पेमेंट ऐप है, बट यार इनमें से कौन सा ऐप हमें बेस्ट सर्विस देता है और इजीनेस प्रोवाइड करता है, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और मतलब इसमें से कौन सा बेस्ट ऐप है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और किस ऐप को हमें यूज करना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा होगा। और भाई ये सब जो ऐप है, जो पेमेंट ऐप्स हैं जिससे हम कोई भी रिचार्ज या किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, भाई ये लोग पैसे कैसे कमाते होंगे? मतलब यार मैं 10 रुपए का रिचार्ज करता हूँ, मेरा 10 रुपए कट जाता है, मैं किसी को 50,000 रुपए किसी को ट्रांसफर करता हूँ, 50,000 रुपए ही कटता है, 50,000 रुपए ही सामने वाले को जाता है, तो ये लोग जो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह ये सब पैसे कैसे कमाते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हो सके तो इसको एक लाइक, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सर, हम पहले बात करते हैं जितने भी ये सब पेमेंट ऐप हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, ये सब पैसे कैसे कमाते हैं, मतलब ये सब भी तो पैसे कमाते होंगे, ऐसे थोड़ी चल रहे हैं सब, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, सपोज कर लो, अगर जब भी आप रिचार्ज करने जाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे 10 रुपये का कितने का भी रिचार्ज करने जाते हो, तो आपसे तो जितना रिचार्ज का पैसा रहता है उतना ही लिया जाता है। सपोज कर लो, अगर आप 10 रुपये का रिचार्ज कर रहे हो तो आपसे 10 रुपये ही लिया जाएगा, बट जो इन लोगों को रिचार्ज का कॉस्ट पड़ता है वो 8 रुपये या 9 रुपये ही पड़ता है, मतलब इनको कमीशन कह सकते हो मिलता है, या जो इनको रिचार्ज का कॉस्ट पड़ता है जैसे गूगल पे या पेटीएम को, इन सब को 8 रुपये, 9 रुपये या कुछ परसेंट ऐसे ही में आपको रिचार्ज ये लोग कर देते हैं 10 रुपये का, तो इनको तो कुछ परसेंट या 1 रुपये का फायदा इतने में ही हो गया। तो ऐसे ही लोग करते हैं, ऐसे ही दुकान वाले भी जो मोबाइल रिचार्ज वाले काम करते हैं ऐसे ही काम करते हैं, आपको तो 10 रुपये ही लेंगे, 10 रुपये का ही आपको रिचार्ज गया, लेकिन जो इनको 10 रुपये का रिचार्ज का कॉस्ट पड़ता है, जो एयरटेल और जियो वाली कंपनियां हैं इनको कम सस्ते में ही दे देती हैं। तो भाई यही इन्हीं तरीकों से ऐसे पैसे कमाते हैं, चाहे अलग अलग, चाहे रिचार्ज करो, डीटीएच रिचार्ज करो, बिल पेमेंट करो, तो कुछ कुछ कमीशन इनको दिया जाता है, इनको सस्ते में रिचार्ज मिल जाता है, आपको पैसा उतना ही आपसे लेते हैं। तो इन्हीं तरीके से ये काम करते हैं, और सारे लोगों का काम करने का तरीका है, कमाने का यही तरीका है। अब हम बात करते हैं भाई इनमें से बेस्ट कौन है, मतलब सबसे अच्छा कौन है, जिसमें हमें सिक्योरिटी, हमारा पैसा वैसा कहीं डूबे ना, लेके भाग ना जाए, या हमारा कैसा फंस हमारा पैसा कहीं फंस ना जाए, और हमें इजीनेस प्रोवाइड करे, ज्यादा दिक्कत ना हो, कौन सा ऐप है इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई किसी को इजीनेस अच्छी लगती है तो भाई, और किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो किसी को भाई अलग ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो भाई ये सब एक में प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई देखो गूगल पे में आपको चीज देखने को नहीं मिलेगी जो फोन पे में देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन काफी सिमिलर है, लेकिन हर एक चीज आपको जो फंक्शन, जो इंटरफेस आपको किस में कितना पसंद आता है वो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, बट यार देखा जाए तो आपको उसी ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए, उसी पेमेंट ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए जो भाई एक ब्रांड हो, क्योंकि भाई अगर एक लोकल सोकल ऐप आ रहा है तो उसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो पता नहीं वो आगे जाके क्या करे, कोई उसका बैकग्राउंड ना हो तो, बट यार कोई एक ब्रांड है जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, ये सब बहुत बड़ी कंपनी है, इनका एक ब्रांड वैल्यू है, तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगी, सिक्योरिटी के लिए हो, इजीनेस, आपको जो ऐप जिसमें अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट भाई अगर मैं अपनी तरफ से तो भाई मुझे गूगल पे काफी अच्छा लगता है, और सेकंड में देखा जाए तो पेटीएम, क्योंकि पेटीएम में मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं उसमें करने के लिए, यूज करने के लिए फैसिलिटी, और गूगल पे में मुझे सिक्योरिटी हुआ और इजीनेस प्रोवाइड किया जाता है, और ये काफ़ी भरोसेमंद ब्रांड भी हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़ करना अच्छा लगता है, बाकी काम तो भाई सब सिमिलर ही करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, काम करने का तरीका, फैसिलिटी, कमाने का तरीका, इन सब का एक ही है, और भाई ऑफर वगैरह सब लोग एक टाइम तक प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कोई ऑफर ऑफर नहीं प्रोवाइड करता है। तो भाई अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई इसको एक लाइक, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहते हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं भाई किसी और नए वीडियो के साथ।